हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी लोगों को जैसे कि पता है, सौरभ भाई के 10 मिलियन हो चुके हैं। तो 10 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए हमने एक सरप्राइज़ रखा था, पारस भाई और मैंने जो सरप्राइज़ रखा था वो आज सरप्राइज़ रिवील होगा। तो इसीलिए अभी मैं जा रहा हूँ सौरभ भाई लोगों के घर पे। तो अभी बज रहे होंगे अराउंड, मेरे ख्याल से 8 बज रहे हैं। तो अभी मैं उधर जाऊँगा और आप सभी लोगों को दिखाऊँगा कि क्या हम करने वाले हैं और क्या वो सरप्राइज़ है। तो बने रहिए मेरे साथ और आगे तक मेरी वीडियो देखिए। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है, मैं बाहर घूमता रहता हूँ। तो बाहर घूमने की वजह से मेरी स्किन डैमेज हो जाती है। तो मेरी डैमेज स्किन को रिकवर करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ बॉम्बे शेविंग कंपनी का चारकोल स्किन केयर ट्रैवल पैक। ये ट्रैवल पैक का सबसे पहला प्रोडक्ट है बॉम्बे शेविंग कंपनी का चारकोल फेस वॉश, जो हमारी स्किन से एक्सेस ऑयल और डर्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो सेकंड मैं यूज़ करूंगा बॉम्बे शेविंग कंपनी का चारकोल फेस स्क्रब। ये ब्लैक हेड्स और डेड स्किन को रिमूव कर देता है अच्छे से। और लास्ट में हम यूज़ करेंगे बॉम्बे शेविंग कंपनी का चारकोल पील मास्क। ये हमारी पूरी स्किन को डिटैन कर देगा और ब्लैक हेड्स पूरे रिमूव कर देगा अच्छे से। तो सबसे सही चीज़ इसकी है कि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है और ये सल्फेट, सिलिकन और पैराबेन फ्री है। अगर गाइस आपको भी ये प्रोडक्ट्स चाहिए तो ये प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए हैं ट्रेल ऐप से। ट्रेल एक लाइफस्टाइल और वीडियो प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको मिल सकता है अप टू 70% ऑफ, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो आपको मिलेगा मोर 20% ऑफ। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात ये है कि ये फ्री डिलीवरी देता है, और आपको अगर ये प्रोडक्ट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस अभी चला रहे हैं पारस भैया मेरी बाइक और मैं यहाँ पहुँच गया था सौरभ भाई के वहाँ। अब करेंगे अनबॉक्सिंग जो हमने पोस्टर बनाया था बड़ा सा। तो ये रहा घर और पारस भैया अभी चला के चेक कर रहे हैं मेरी कैसी चलती है करके बाइक। तो गाइस सौरभ भाई को अभी पता नहीं है कि क्या है करके, और वो मतलब उधर ही को देख रहे हैं कि है क्या वो चीज़। और यहाँ से दिख रहा है, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये देखो बोर्ड यहाँ से दिख रहा है, पर सौरभ भाई को पता नहीं है कि बोर्ड वहाँ लगा है करके। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कैसा लगता है उन्हें सरप्राइज। वो देखो हम पैदल पैदल जा रहे हैं आगे, और ये देखो पोस्टर इधर है। समझे क्या होगा? अरे भाई। नमस्कार सर जी, नमस्कार सर जी, नमस्कार। ला ये तो क्या है? कांग्रेचुलेशन फॉर 10 मिलियन वर्ल्ड है ये तो। अरे मैंने वही कपड़े डाले हैं जूते अलग है बस, और सारा सब कुछ सेम ही है। देख रहे सरप्राइज, यही है सरप्राइज, यही है, यही है। अरे वाह यार, ये छोटा नहीं हो गया ये? मेरे को लग रहा है। पास जाके देखो ना, 12-8 है। 24-8 था, 12-8, 24-8 नहीं बन पा रहा है तो। तो अभी सौरभ भाई का कोइंसिडेंस हो गया, सेम कपड़े और सेम फोटो। तो सेम कपड़ों में ही फोटो खींची थी मैंने, और अभी भी वही कपड़े पहने हुए हैं, तो मतलब मजा सा आ गया। चल रहा है फोटो सेशन मस्त वाला, तो आप एक एक करके सभी फोटो खिंचाएंगे सौरभ भाई के पोस्टर के साथ। मजा आ गया, कैसा लगा? तो अभी मैं चलाऊंगा कि उसके टीचर की हिमालय में, इसको देखते हैं अब कैसे चलती है। वो तो मेरी है, उसको भी टेस्ट ड्राइव चल ली सबकी। अभी मैं इसको चलाता हूँ मस्त करके। अब आ गई बारी शुभम भाई की, सब एक एक करके टेस्ट करेंगे इसे आज। डर लगता है इस पर थोड़ा। अब मेरी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव, वाह।
चलो तो अभी पहुंच गए थे हम पैराग्लाइडिंग वाली जगह में। अब हम यहां से जाएंगे ऊपर क्योंकि ले जाने वाले कोई और है, तो ऊपर चलते हैं। अब ऊपर फिर दिखाऊंगा ऊपर क्या क्या है। आपने देखा ही होगा वैसे तो, पर फिर भी मजे लेने के लिए ऊपर जाते हैं घूमने के लिए। तो गाइस हम लोग ऊपर तो गए नहीं, पर हम यहाँ गाड़ी धुलवाने आ गए, तो मस्त करके अब गाड़ी धुलवाएंगे इधर, फिर चमक जाएगी गाड़ी पूरी तौर पर। फिर उसके बाद देखते हैं लेट्स सी क्या होता है, मैं आपको अपडेट दे दूँगा। तो गाइस अभी हमने लिया था छोटा सा ब्रेक चाय का, और हम अब जा रहे हैं नैनीताल। वहाँ से हमने मतलब पूरा भीमताल घूम के मस्त करके भीमताल घूम लिया था अच्छे से, फिर खाना वाना भी उधर ही खा लिया था। अब उसके बाद हम जा रहे हैं नैनीताल, घूमेंगे थोड़ी देर, फिर मैं जाऊँगा होपफुली मैं नीचे जाऊँगा हल्द्वानी के साइड को, मेरे को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है नीचे जाके, फिर आ भी सकता हूँ वापस, पर श्योर नहीं है कि नैनीताल में वापस आऊँगा। लेट्स सी क्या होता है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं नैनीताल। अब देखता हूं मैं किधर जाता हूं करके, मैं अपनी मतलब फ्रेंड की स्कूटी लेके नीचे जा सकता हूं क्योंकि मेरे को काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है नीचे। तो अभी सौरभ भाई लोगों को टाटा बाय बाय कर देंगे, और यहां पे पार्किंग हो रखी है सारी गाड़ियाँ सारी यहाँ पार्क हो रखी है, और अब मैं देखता हूँ मैं कहाँ जाता हूँ। श्योर नहीं है मुझे अभी मैं कहाँ जाऊँगा करके। तो गाइस जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं हल्द्वानी जा रहा हूँ, तो मैं पहुंच चुका हूं अभी घर। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि जो प्रिपरेशन वीडियो होने वाली है वो आएगी इस वीडियो के बाद। तो प्रिपरेशन वीडियो इस वीडियो के बाद आप ज़रूर देखना क्या क्या हुआ था, मैंने कैसे अरेंज करा, क्योंकि इस टाइम पे जो भी मैंने अरेंज कराया वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि फर्स्ट डे में जब मेरे को अरेंज करना था उस दिन दिवाली थी, सेकेंड डे सैटरडे था, सैटरडे को हमेशा हल्द्वानी ऑफ रहता है, और थर्ड डे जो संडे है वो मैंने एक दिन में पूरा काम कर रखा है। मतलब दो दिन तो मेरे वेस्ट गए थे क्योंकि दिवाली की वजह से कोई वर्कर्स नहीं थे और सारा मतलब मार्केट ऑफ था, और सैटरडे ऑफ ही रहता है हल्द्वानी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।